हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलती मूवी। आई एम जय। एक और मॉडलिंग में अपना थोड़ा बहुत कैरियर बनाने के बाद एक एक्टर ढूंढ रहा था अपना पहला ब्रेक। दूसरी ओर एक डायरेक्टर अपनी फिल्म के किरदार के लिए ढूंढ रहा था एक्टर। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। आखिर कंटाल कर उन्होंने कहा कि अब इस सामने के दरवाजे से जो कोई भी गुजरेगा मैं उसको बिना ऑडिशन लिए रोल दे दूंगा। कोइंसिडेंसली वही एक्टर उस दरवाजे से गुजरा और बिना ऑडिशन लिए, बिना कुछ नाम वाम पूछे उनको एक टेप थमा दी और बोल दिया कि मैं तेरे को इस फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ। ये मेरे तेरे को एक रेफरेंस का एक टेप दे रहा हूँ, उसमें ये किरदार तू देख ले, पढ़ ले, सीख ले और कल से शूटिंग में आ जाना। हीरो ने जब ये टेप देखा तब उनको लगा कि भाई बहुत बड़ी गलती कर ली, कि उनका किरदार बहुत ही छोटा था। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत में कमी नहीं रखी और बहुत मेहनत की। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, थिएटर में रिलीज हुई। हीरो खुश होकर अपनी पूरी फैमिली के साथ थिएटर में ले गया। जब मूवी खत्म हुई तब पूरी फैमिली शॉक, क्योंकि उसमें उस हीरो का किरदार ना के बराबर था। बहुत ही कम सीन्स लिए गए थे मूवी में। अब वो हीरो मन ही मन सोच रहा था कि काश ये मूवी फ्लॉप हो जाए और कोई भी उसको याद ना रखे। लेकिन ऊपर वाले का लिखा तो कुछ और ही था। वो मूवी हिट हुई, 100 दिन तक चली, लेकिन मार्केट में खबर फैल गई कि ग्रेट राइटर सलीम खान का बेटा फिल्मी इंडस्ट्री में आ गया है। जी हाँ, ये जो एक्टर की बात कर रहा था वो एक्टर थे सलमान खान, और उसकी पहली मूवी थी बीवी हो तो ऐसी। मजेदार मूवी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। मूवी थी बीवी हो तो ऐसी, लेकिन इसी मूवी से हमको एक ऐसा स्टार मिल गया कि सभी लोगों के दिलों में राज करने लगा, द ग्रेट सलमान खान। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए मेरी यूट्यूब चैनल बोलती मूवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ये किस्सा आपको कैसा लगा ये जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।